हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू स्टाइल कॉर्नर। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे फ्रेंड। और मॉर्निंग का टाइम है, 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो गई है और पूजा भी मेरी हो गई है। सो फ्रेंड, आज मैंने बिट्टू को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आज उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसको कोल्ड हुआ है और रात को उसको हल्का सा फीवर सा भी लग रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। आज मैंने कहा कि आज मत जाओ और घर में रहो, तो अभी मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी है तो उसने खा ली है, धूप में बैठा है। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, धूप तो रोज ही निकलती है, बस कभी कभी क्लाउड आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो मतलब वेदर थोड़ा सा खराब हो जाता है इस वजह से। और अभी 2-3 दिन पहले तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और अभी मैंने ना खाना वगैरह तो मेरा सारा कुछ हो ही गया है, बन ही गया है। और ये देखिए, कल मैंने सॉल वगैरह अपनी वॉश करी थी तो मैंने बाहर सूख नहीं पाई थी तो यहीं पर मैंने डाल दी थी, तो इसको मैं उठा लूँगी अभी। और पूजा वगैरह सब हो ही गई थी मेरी, और इसके बाद में बस मैं बनाऊंगी अपने लिए आलू के पराठे। और आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन है। और सुबह मॉर्निंग मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, आलू के पराठे बनाए थे बट अपने लिए नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा बाद में ही खा लूँगी। फिर क्लीनिंग डस्टिंग करते करते टाइम ही नहीं मिला कि अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ और ब्रेकफास्ट कर लूँ, बट अब जा करके मैं फ्री हो गई हूँ तो सोच रही हूँ अपने लिए आलू के पराठे बना लिए जाए। बस चलिए बना लेती हूँ आलू के पराठे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच कह लीजिए इसको। तो सो फ्रेंड, धूप बहुत अच्छी निकली है और बाहर ही बैठ करके मैं अपना ये पराठा फिनिश करूंगी और मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। फ्रेंड गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप सब। और देखिए ना, मैं अभी लेट गई थी, अभी उठी नहीं हूँ, बस उठ करके बैठी हूँ अभी। और लैपटॉप वगैरह देखिए ये पड़ा है, वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो यहीं पे डाल दिया, और बैठी हुई थी यहाँ पे, बस थोड़ी सी नींद आ गई तो मैं लेट गई। और बस लेटे लेटे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। और कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं और वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी तो मशीन शायद बंद हो चुकी है, और शाम को 4 बज चुके हैं और बस जा रही हूँ अब मैं कपड़े फैलाऊँगी जा करके, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, कम है धूप, बादल हैं आज, तो इस वजह से तो बस उठूंगी। और थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं किचन में, वो भी वॉश करने हैं मुझे, तो बस लेट गई थी ना तो आलस आ गया तो सो गई। तो चलिए चलते हैं अब करेंगे अपना काम। सो फ्रेंड, मैंने अपना सॉल ओढ़ लिया है और चलते हैं अब किचन में और देखते हैं चलकर ये किचन का क्या हाल है, क्योंकि किचन में पड़े हुए हैं बर्तन और चाय बनाऊंगी अपने लिए, कपड़े भी फैलाने जाना है, तो चलिए चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड, आ गई हूँ किचन में और दूध रख दूंगी गर्म करने के लिए, तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और चाय भी रखूंगी अभी थोड़ी देर में, और आपको दिखाती हूँ बर्तन कितने सारे पड़े हैं। तो ये बर्तन तो मुझे सेट करने हैं और इतने बर्तन इसमें पड़े हुए हैं। सो फ्रेंड, बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ और बर्तन को कर देती हूँ सेट, और फिर मैं कपड़े डालने जाऊँगी टेरिस में, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, देखिए बर्तन मैंने सारे सेट कर दिए हैं और चाय भी रख दी है, तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय पक रही है और एक साइड पक रहा है दूध, तब तक मैं जा रही हूँ टेरेस में कपड़े फैलाऊंगी जा करके। सो फ्रेंड, चलिए चलते हैं टेरेस में और कपड़े फैलाऊंगी जा करके। बहुत देर की मशीन बंद हो गई थी बट मैंने ना
और अभी उजाला सा है, आज टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। चलिए चलते हैं टेरेस में, कपड़े फुला के आते हैं। और यहाँ पे ये मैंने डोरमेट रखे थे, मैंने सोचा था आज इनको वॉश करूँगी बट टाइम नहीं मिला। ये देखिए ये मुझे वॉश करने हैं, तो इनको गर्म पानी में डालना था मुझे, तो बस आई नहीं, थोड़ी देर आलस कर गई, लेट गई, पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। तो बस देखिए बादल कितनी तेज़ है, ये देखिए कितने क्लाउड है, और कल तो बारिश भी हो गई थी, मतलब थोड़ी सी बूंदें पड़ गई थी, और वेदर थोड़ा सा ख़राब है। चलिए कपड़े फैला देती हूँ। सो फ्रेंड ये देखिए मैंने कपड़े सारे फैला दिए हैं और अभी ये पड़े रहेंगे। सो फ्रेंड कुछ देर अभी मैं डले रहने दूंगी इन कपड़ों को, और फिर ना थोड़ा और शाम हो जाएगी तब मैं उठा के लेके जाऊंगी, तो लॉन्ड्री हैंगर में डाल दूंगी इनको। सो फ्रेंड बेटू की सूज डाले थे धुल करके, तो वो तो सूख गए हैं, बस एक रह गए थे वाइट वाले, वो नहीं सूखे थे, तो उनको उठा लेती हूँ। तो ये वाले सूज उनके नहीं सूखे थे। सो फ्रेंड चलिए चलते हैं नीचे, और टेरेस की मुझे झाड़ू लगानी है एक दिन, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, क्योंकि बेटू ने एक दिन कटिंग करी थी पेड़ों की, बहुत ज़्यादा पत्ते सूख रहे थे तो उसने कटिंग कर दी थी। सो फ्रेंड बस ऐसे ही तभी ये कचड़ा हो गया है, चलिए चलते हैं नीचे, और चाय भी बन गई होगी, चाय वगैरह पी के फिर तो सारे बर्तन क्लीन करूँगी, और बस बेटू को देखती हूँ, बेटू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको कोल्ड हो गया है, तो बस उसको भी थोड़ा सा स्टीम वगैरह दिला दो, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड ये नाइट टाइम की क्लिप है, और मैंने सबके लिए डिनर में बनाया था चपाती और सब्जी, और बाकी बेटू के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसा, और अपने लिए भी डोसा ही बनाऊँगी, और बाकी पापा जी के लिए मैंने चपाती और सब्जी बनाई हुई थी। तो बस बेटू सिंपल सा डोसा खाते हैं, तो इस तरीके से बस क्रंची क्रंची सा डोसा सेक के और उसमें थोड़ा सा सॉस वगैरह लगा करके, और तब उनको अच्छा लगता है। वो जो उसकी पोटैटो की फिलिंग होती है वो भर के नहीं खाते हैं, और सांभर भी थोड़ा सा कम ही खाता है, मतलब खा लेते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं कि जैसे और हम लोगों को पसंद है बहुत ज़्यादा तो हम लोग खा लेते हैं, तो वो नहीं। तो मैं इसी तरीके से उसको सैजवन सॉस लगा करके, ये नॉर की है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, तो बस इसको थोड़ा सा स्प्राइट कर देंगे, हल्का सा लगाती हूँ ज़्यादा नहीं, और बस इसी से वो बस खा लेता है, तो काफ़ी अच्छी लगती है उसको, और अपनी अपनी पसंद होती है, और बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, तो मैं उसी तरीके से देती हूँ, मैं जिद नहीं करती हूँ कि नहीं आप ऐसे खाओ वैसे खाओ, तो जैसा अच्छा लगे वैसे ही मैं उसको दे देती हूँ, तो वो खा लेता है, कम से कम पेट तो भर ही जाता है बच्चों का। और तो यहाँ पर डोसा बनकर के रेडी हो गया, बेटू को दे दूंगी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।